गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में 2018 के विधानसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोपाल आगमन को लेकर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या और भावांतर भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, इसमें सारे प्रदेश के पदाधिकारी, सारे जिलाध्यक्ष, सारे विधानसभा अध्यक्ष आए हुए हैं और ये रणनीति 2018 की बन रही है और 19 और 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश में आ रहे हैं। इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जाए, कैसा कार्यक्रम होगा, कैसा होगा, इन तमाम बातों को लेकर सारे लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं और चुनाव हम समाजवादी पार्टी 230 सीटों पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के पास क्या पूरे प्रदेश के इतने मुद्दे हैं, किसान परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, भावांतर के नाम पर सरकार ने लूटने का काम किया, जितनी भी घोषणा की सरकार ने एक भी पूरी नहीं की और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं के अलावा कभी वायदा पूरा नहीं करते। मध्यप्रदेश की जनता, किसान, मजदूर सारे लोग इसे बदलना चाहते हैं और साथ साथ कर्मचारी वर्ग भी इनसे थक गया, ऊब गया है, इनको बदलना चाहते हैं। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा पर्सन आकाश बैरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।